कार टेक्निशियन किसान के यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ दोस्तों, ये है हाइब्रिड क्रोटॉन का पौधा। दोस्तों ये क्रोटॉन का पौधा हमारे जो घर की खूबसूरती है उसको उसमें चार चांद लगा देता है। और ये पौधा आप एक बार नर्सरी से परचेज कर लीजिए, उसके बाद आपको इसको बार बार नर्सरी से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आज मैं आपको ऐसी विधि बताऊँगा जिससे आप क्रोटॉन के पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपने घर में क्रोटॉन के पौधे फ्री में ही तैयार कर सकते हैं और अपने यार दोस्तों को भी आप गिफ्ट में प्रदान कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक दोस्तों। तो ये मेरे क्रोटॉन का पौधा खरीद के लाया हूँ नर्सरी से। ये देखिए आप, ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है पुणे की में, इसमें ये देखिए इसको खरीद के लाया हूँ। और आज मैं आपको इसे एक पौधे से दो पौधे बना के बताऊँगा और हमारा पौधा भी ये सेफ रहेगा, पौधा भी नहीं मरेगा और उससे दो पौधे बन जाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पौधा परचेज कर लेना है। उसके बाद हमें क्या लेना है, एक चाकू, और चाकू सैनिटाइज किया होना चाहिए, मैंने इसको ऑलरेडी सैनिटाइज कर रखा है। और उसके बाद क्या करना है हमें, इस प्रकार से ये देखिए मैंने ये छाल हटा दी है, ये देखिए ये इस प्रकार से छाल हटा देनी, यानी कि इसकी सहायता से आपको एक रिंग यो बनानी है, इस प्रकार चारों तरफ एक ऊपर बनानी है करीब एक इंची लंबाई में। और उसकी जो ये ऊपर की जो छाल है इसको ये रिमूव कर देना है। इस प्रकार से मैंने पहले हटा दिया है, ये आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से सारी जो छाल थी मैंने उसको हटा दिया है। इसी प्रकार से ये दूसरी वाली जो ब्रांच है इसमें भी मैंने इस प्रकार से ये रिंग लगाई चारों तरफ और ऊपर एक नीचे, और बीच की जो छाल थी इसको मैंने इस प्रकार से रिमूव कर दिया। और उसके बाद ये रगड़ देना है इससे, क्योंकि इसमें सेकंड दो परतें होती है छाल की, एक फर्स्ट निकल जाती है उसके बाद दूसरी रहती है, तो उसको इस प्रकार से स्क्रैच करना है जिससे सेकेंड परत भी हट जाए। उसके बाद क्या करना है हमें, ये सारा करने के बाद हमें लेना है कोकोपीट। ये देखिए दोस्तों, ये कोकोपीट नर्सरी में आपको आसानी से मिल जाएगा, 70 से 80 रुपये पर केजी में मिल जाता है। तो ये और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मिलाना हमें फंगीसाइड, क्योंकि हमारी जितनी भी से कटिंग्स होती है वो अगर उनकी उनमें एयर लेयरिंग कटिंग्स नहीं लगना या फिर एयर लेयरिंग फैल होना, इन सब में मुख्य कारण होता है फंगस का लगना। तो फंगीसाइड मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनमें एयर लेयरिंग और कटिंग्स उनकी बिना फंगीसाइड के भी लग जाती है, लेकिन अधिकांशतः फंगीसाइड डालने से क्या होता है कि फंगस नहीं लगता और हमारी जो एयर लेयरिंग है और कटिंग्स है वो अच्छी ग्रो होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये फंगीसाइड है, ये थोड़ा इसको मिला रहा हूँ मैं। फंगीसाइड आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, साफ है, बवस्टिन है, मैंकोजैब है, कोपरऑक्सीक्लोराइड COC है। मेरा जो मेरे पास है COC कोपरऑक्सीक्लोराइड रखा होता तो मैंने ये इसमें मिलाया थोड़ा सा, और इसको इस प्रकार से इसमें मिला लेना है, मिक्सर कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से मिक्सर कर दिया हमने। मैं इसमें कोई भी रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है कोकोपीट और फंगीसाइड मिलाया है मैंने कोपरऑक्सीक्लोराइड इस प्रकार। और उसके बाद क्या करना है हमें, कोकोपीट को थोड़ा गीला कर लेना है इस प्रकार से, क्योंकि कोकोपीट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है एयर लेयरिंग में क्योंकि जो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। एक बार आप इसको आपने गीला कर दिया तो इसमें काफ़ी समय तक जो मॉइस्चर है वो विद्यमान रहता है, मॉइस्चर रहता है जिससे कि हमें बार बार पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती। और बीच बीच में अगर बारिश भी ना हो तो हमारे जो एयर लेयरिंग है उसको नमी मिलती रहेगी जिससे कि हमारे एयर लेयरिंग सक्सेस होगी। तो इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से हमने मिला लिया है इसको। देखिए इसमें वाटर ऑल्टी के फिट दिखाता हूँ मैं आपको भी। ये देखिए आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन देखिए आप इसको जो आप वो करेंगे तो आपको इसमें यहाँ पे पानी आपको दिखाई देगा। ये देखिए इसलिए इसमें वाटर ऑल्टी कैपेसिटी ज़्यादा होती है मिट्टी की बजाय। तो हालाँकि एयर लेयरिंग है जो मिट्टी और गोबर की खाद से सक्सेस रहती है, लेकिन हर कोई पौधे में नहीं होती, लेकिन कोकोपीट में अगर आप एयर लेयरिंग करेंगे, कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे गोटी बांधने में यानी एयर लेयरिंग करने में, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, मेरा तजुर्बा है 10 से 12 साल का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चीज़ को, इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ। ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं डालना है, ज़्यादा पानी से क्या होगा, ये
ज़्यादा जो वाटर है उसको होल्ड कर लेगा, और जो हमारी कटिंग्स है उसको नमी अगर ज़्यादा मिल गई तो वो भी सड़ जाएगी, उससे भी ये भी खतरा रहता है। तो आपको ये थोड़ा इस्तेमाल चेक कर लेना है, अगर आप दबाने के बाद अगर पानी निकल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो आप इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालें। अब ये देखिए, ये इसके लिए सूटेबल मिक्सचर बन गया और ये नमी भी नम भी हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इस प्रकार की हमें वाइट पॉलिथीन ले ली है, आप सब्जी वाली पॉलिथीन वाली को भी ले सकते हैं। वाइट की इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि इसमें जो रूट फॉर्मेट होगी तो वो आपको बाहर से जाएगा, आपको बार बार इसको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसमें आपको कोको भी थोड़ा सा लेना है, ये इस प्रकार से ये हमने ले ली पूरी। और हमने जो जहाँ से जिस शाखा से छाल उठाई है और एक लेना, उसके बाद हमें ये एक कपड़े का टुकड़ा, ये देखिए इसकी जगह आप धागा भी ले सकते हैं कोई, और इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ से छाल उठाई है, इसको क्या करना है, कवर करना है इस पर। ये छाल उठाई यहाँ से तो इसको क्या करना है, हमें कवर करना है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी थोड़ा सा ये इस प्रकार से इसको हमें कवर करना है बिल्कुल। टाइटली इसको प्रेस करके बिल्कुल टाइटली, और सटाना है जो हमने छाल उठाई वहाँ उसके, क्योंकि इसके सटा रहेगा तो इसको नमी मिलेगी तो रूट फॉर्मेट होगी। और दोस्तों मैं ये बात और आपको बता दूँ कि गोटी बांधने की जो सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा समय है यानी एयर लेयरिंग करने का, चाहे कोई सा पौधा हो, मैं क्रोटन के अलावा और पौधों की बात कर रहा हूँ, वो रहता है मानसून सीज़न। आप जुलाई में जैसे बरसात शुरू हो जाए तब आप पौधों में आप एयर लेयरिंग कर दीजिए, और उसके बाद आप कर सकते हैं अक्टूबर तक, उसके बाद आप सर्दियों में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सीज़न जो होता है वो मानसून सीज़न होता है अक्टूबर तक, क्योंकि इस दौरान जो रूट फॉर्मेट है वो बहुत फास्ट गति से होती है और मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसकी वजह से रूट है वो बहुत फास्ट ग्रो होती है। ये आपको पीछे ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ये रहे। आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ बांध देना है इसको पॉलिथीन को, इस प्रकार से बीच के, जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी, अगर बारिश में हमें रखना है तो एक्स्ट्रा पानी ना जाए, और अगर इसका मॉइस्चर जो बना रहे, तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको बांध दिया, और हमें एक कपड़े का टुकड़ा और लेना है जिससे बीच में इसको टाइटली कर देना है, क्योंकि हम टाइटली करेंगे तो हमारा जो कोकोपीट है वो छाल में चिपका रहेगा, पास नज़दीक रहेगा तो उसको नमी मिलती रहेगी, तो रूट फॉर्मेट होने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से ये देखिए इतना टाइट करना है आपको, इसमें एक से डेढ़ महीने लग जाते हैं, और एक से डेढ़ महीने में क्या हुआ, आपको यहीं से ही वाइट रूट दिखने लग जाएगी, एक से डेढ़ महीना। उसके बाद इसको जब वाइट रूट आपको दिखने लग जाए तब आपको यहाँ से काट के हम इसको कहीं भी पॉलीथीन लगा के, और 7 से 8 दिन इसको हम सेमी शेड एरिया में रखेंगे, रेस्ट कराएंगे, उसके बाद इसको आप किसी बड़ी पॉलीथीन में या कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए मैं दूसरी भी बांध रहा हूँ आपके सामने,
कॉफ़ी वाली है, मैं इसको थोड़ी सी मुझे इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें इसको जगह की थोड़ी सी इसमें शॉर्टेज सी हुई, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इसमें। ये हमने नीचे बांध दिया इसको और अभी ये ऊपर बांधेंगे इसको। आपको टाइटली बांधना है, कोई भी इसमें एयर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर बारिश का पानी वो भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बारिश के पानी से ज़्यादा गीला हो जाएगा कॉकपीट और नमी इतनी हो जाएगी कि हमारी जो जहाँ से हमने छाल हटाई है वो सड़ने लग जाएगी। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है, चाहे पौधा कोई सा भी हो। तो ये देखिए इस प्रकार से, अब बीच में भी हमें टाइट करना है। ये हमने टाइट कर दिया, दोस्तों हमारी जो एयर लेयरिंग प्रोसेसिंग है, यानी गोटी बांधना है, जो प्रोसेसिंग पूरी हो गई है। तो आप इस विधि से क्रोटोन का पौधा वो अपने घर में तैयार कर सकते हैं और इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है दोस्तों, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पौधा बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा। तो आप इस विधि को अपना कर अपने क्रोटोन के पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों जब भी इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगा। और आपको एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें पानी सूख रहा नहीं चाहिए। जो पॉलीथीन में जो मिट्टी लगी हुई है, पॉलीथीन लगा हुआ है, ज़मीन में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पॉलीथीन में है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इसमें जब भी आपको लगे कि इसको पानी की आवश्यकता है तो आप पानी दें, क्योंकि पॉलीथीन लगा हुआ है। तो इसलिए बस इसके बाद जब भी अपडेट आएगा मैं इसका अपडेट दूंगा आपको। धन्यवाद।